चैनल को सब्सक्राइब सप्रैक भाई बच चुके हैं, मेहमानों के इंतजार में बैठे हैं, कब मेहमान आते हैं। सलाद भी माशाल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मेहमानों की कॉल आई है जी, आटा भी हमारा तैयार हो चुका है, जल्दी से रोटी बना लो। के लिए जी बोतल डाली जा रही है गिलासों में जी, शामिल करते हैं, डब्बे के अंदर डालते हैं कस्टर्ड को। रोटी बनाना शुरू करते हैं, तवे के नीचे आग लग गई है। मेहमानों के लिए जी यहाँ पर माशाल्लाह बड़ा गोश्त रखा हुआ है, मेहमान आने वाले हैं और रेसिपी भी हमारी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ऑटोमेटिक चूल्हे के ऊपर। माशाल्लाह जी टाइम है, नाश्ता करने लगे हैं और आज काम है बहुत सारे हैं हमारे, क्योंकि आज आ रहे हैं मेहमान, मेहमानों की हुई है दावत। शुक्रिया के जो बड़ी बड़ी सिस्टर हैं, पहली जो शादी लैया में हुई थी उनकी हमने की है दावत। काम सारे बहुत सारे हैं और नाश्ता करते हैं और अपने अपने कामों को लग जाते हैं। मैं पहले जाऊंगा बाजार, वहां से जाकर सामान इनको दूंगा और जाते हुए अपनी शॉप जो है मेरी लॉन्ड्री की वो मैं खोलता हूंगा, फिर सामान आपको देकर चला जाऊंगा, फिर थोड़ी देर वहां पे अपना टाइम करके, क्योंकि आज घर का काम भी है, व्लॉग भी बनाना है। अल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। राशन लेकर आया हूँ क्योंकि आ रहे हैं मेहमान हमारे घर, मेहमान अल्लाह की रहमत नसीब अपना लेकर आए हैं, जो हमसे हुआ इंशाल्लाह अपने मेहमानों की खिदमत करेंगे। और शुक्रिया की बड़ी बड़ी जो सिस्टर हैं हमारी, बड़ी बाजी वो आ रही हैं और उनकी फैमिली इनके साथ आ रही हैं, हमारी जो हाँ नई दुल्हन नया दूल्हा वो भी आ रही हैं, उनकी हमने दावत की है, क्योंकि उन्होंने शादी में माशाल्लाह देखें कितनी हमारी इज्जत की वीडियो बनाई हमने, तो उनका शुक्रिया अदा भी करना है, उनकी दावत भी है। और जो जो सामान लेकर आए हैं ये घर के इस्तेमाल के लिए है, यानी कि जो आज इस्तेमाल होगा, जो जो चीज़ें आपने बोली हैं वो मैं लेकर आ गया हूँ, जो चीज़ें बनानी हैं अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे, तो शेयर करनी है ना, कह रही है शेयर करनी है, वो तो हम ना हमारा काम ही यही है। खाना वगैरह बनाना है ना, वो इन्हीं कपड़ों में बना लो। हाँ। वो आएंगे ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं कहा 2 बजे आएंगे अपने हिसाब से लग जाए। हाँ जी, मैं पहले कस्टर्ड बना लेती हूँ। ठीक हो गया, कस्टर्ड बना के फिर मैं गोश्त रखती हूँ, फिर मैं मोबाइल रख के चला जाऊँ दुकान पर लॉटरी वाली, फिर मैं आ जाता हूँ, कुछ आपके लिए बनवा लेना सुगरा के साथ मिलके। ठीक है, ओके। सिस्टर भी बर्तन धो रही है। हाँ धोने दें, ये आज वाला काम बहुत है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, प्यारे बहन भाई परेशान ना हो। हाँ जी, मैंने कमरों की भी सफाई की है माशाल्लाह, इंशाल्लाह सब कुछ दिखाएंगे बहन भाई को, चल अपने काम में लग जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त मैंने रख दिया पकने के लिए, मैंने इसमें सारे मसाले भी डाल लिए हैं, अब हमने इसको अच्छी तरह गोश्त को गलाना है, जैसे गोश्त हमारा गल जाएगा फिर हमने इसमें घी डाल के गोश्त की हमने भुनाई कर लेनी है। दाल मैंने अच्छे तरीके से धो के इसको रख दिया, अब इसमें डाल रही हूँ प्याज हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके साथ डालती हूँ खुश्क मसाले। सुग्रा सिस्टर इधर अचार डाल रही हैं डब्बे में, और साथ ये चावल साफ करने हैं, आलू गोश्त बना रही हूँ, साथ उसके दाल चावल साथ बना रही हूँ। जो सुग्रा सिस्टर मुंह में पानी तो आ रहा होगा सर भाभी आपके। हाँ आपको पता, मैं ज़्यादा इतने खटाई नहीं पसंद करती, कभी और दाल चावलों के साथ लेती हूँ अचार, आपको पसंद है। मगर मैं ना कच्चे कपड़े से ले नहीं सकती, क्योंकि फिर ना यानी कहना भी इतना थोड़ा खांसी है ना यानी। हाँ जी, ये तो बात सही है, अभी से यानी कि जुकाम था इधर। चले ठीक है, आप ये कर लें, मैं फिर और काम कर लूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं काम से वापस आ चुका हूँ। और शुक्रिया, क्या रखा हुआ है आपने? आलू गोश्त, माशाल्लाह बड़ा गोश्त लेकर आए हैं। अली हसन जहाँ हमारा भाई काम करता है, एक बार फिर बता देते हैं, एक हमारा भाई जो है वो कसाई की दुकान पे काम करता है, और रेसिपी हमारी तैयार हो रही है, और जो चीज़ तैयार की है वो शुक्रिया को कहते हैं कि अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर हो गया। शुक्रिया, क्या हो गया? दाल उबल रही थी, दाल उबल रही थी, बच गई, अभी गिर जानी थी सारी। कौन सी दाल है? पीली और लाल दाल। हाँ लेकर मैं आया हूँ लेकिन मुझे भूल जाता है। सही है, चले माशाल्लाह। अच्छा, मेहमानों के आने से पहले तैयार हो जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। अब इसके बाद हमने चावल बनाने हैं, उसके बाद रोटी तवी पे बनानी है, तवी पर, तवी जिंदाबाद।
तवी हाँ जी हम तो सोच रहे थे बाजार से नहीं, बाजार से नहीं, तवी पे रोटी बनानी है। ठीक है, चलो ठीक, ओके जी, ओके। सुगना सिस्टर, हमारी प्यारी सी बहन, आप ही क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। ख्याल है भाई, ठीक हो? मैं ठीक हुआ, मेरे से मुझसे ही पूछती रहती है, रहता भी आपके पास हूँ। यूं कहा करो प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा, सिलाई किसका सूट कर रही है? ये ना अपना सूट कर रही हूँ मैं सिलाई। अच्छा, उधरा है ना, तो जीन तो है नहीं, हाँ बस हाथ से कर रही हूँ। चले जी, सही है। और टांग हटाए मोहम्मद प्यारे, मोहम्मद इनाम को दिखाते हैं। मोहम्मद इनाम तैयार होकर जी माशाल्लाह सो रहा है। चले जी, सोने दें। और भाई आ गए हैं काम से? नहीं आए, नहीं आज तो देर हो गई है ना, पहले आ नहीं जाते 10-11 बजे? शायद उधर ही ना सो गया हो, थके हुए होंगे ना काम करके, तो मुझे लगा उधर ही सो गए होंगे। हाँ चलें, अल्लाह खैर करता है। अब जी शामिल करते हैं, डब्बे के अंदर डालते हैं कस्टर्ड को। माशाल्लाह जी, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है। अच्छा, ये सिस्टम है? हाँ जी। बस ये देसी सिस्टम हमने खुद घर बनाया है। हाँ जी। जितनी वीडियो बन सकी है, क्योंकि वीडियो मेरे प्यारे बहन भाइयों बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने शॉर्ट वीडियो करके बनाई है। आज वीडियो लंबी हो जाएगी और उम्मीद है हमारे बहन भाई इंशाल्लाह वीडियो को फुल वॉच करेंगे। अब इसको शुक्रिया फ्रिज में रखना है? हाँ जी। चले, माशाल्लाह बड़ा सिस्टम है भाई, शुक्रिया। माशाल्लाह काफी अच्छी अच्छी चीजें बना लेती है, जो तारीफ है वो तो करनी चाहिए ना। लेकिन पहले भी मुझे नहीं बनाने आते थे, शादी के बाद ही मैंने सारा कुछ सीखा है। तो ऐसे ही होता है, जब अपने घर का हो जाता है फिर सीखना पड़ता है। बस बहुत है ना। ठीक है, आप देख ले इसको, पर बादाम वगैरह वो काटेंगे? चले ठीक है, कर ले फिर आप। सब काम होने के बाद अब जी चावलों की बारी आ चुकी है। चावलों में पानी शामिल किया जा रहा है ताकि चावलों को लग जाए कोस, और मेहमानों के आने तक इंशाल्लाह रेसिपी सब काम हो जाएगा। चलें जी, माशाल्लाह। शुगरा सिस्टर निकाल रही हैं आटा। शोर की चीज का हो रहा है ये? मुझे लग रहा पंखा खराब हो रहा है। अच्छा। मुझे लग रहा आवाज दे रहा है पंखा। अच्छा, आप ही बताएं, आप घर बना लेंगी? अगर ज्यादा थक चुकी हैं तो बाजार से बनवा लेता हूँ। नहीं बना लेंगे, तभी ना मिनट देर तो लगती नहीं है। मैं हूँ थक के आया हूँ दुकान से काम करके, लेकिन यह है कि मैं लगा हुआ हूँ, व्लॉग तो बनाना ही है ना। और प्यारे बहन भाई मजे की चीज आपको दिखाते हैं, ये न्यू अदद हार हमने ये अपने मेहमानों के लिए लेके रखे हुए हैं। भाई यूट्यूबर आ जाते हैं शॉपर में लपेट के रखे हुए हैं, और खास काम के लिए रखे हुए हैं। इंशाल्लाह ये जरूर काम आएंगे हमारे, कुछ दिनों तक वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ आएगी। हमने कोई खास इस्तकबाल करना है, हमारे मेहमान पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वो सीक्रेट रखा हुआ है, इंशाल्लाह आपको जब वीडियो शेयर करेंगे तो फिर आप देखेंगे, आपको पता होगा ना। हाँ, मुझे पता है। बहन भाइयों के साथ फिर सरप्राइज का मजा नहीं होगा ना। हाँ, मजा खराब हो जाएगा। चलें बेटा आटा गूंद लें। माशाल्लाह जी, दाल हमारी तैयार हो चुकी है, पतली पतली। चावलों के साथ ऐसे भी अच्छी लगती है ना जी? अगर रोटी के साथ खाएं ना फिर गाढ़ी दाल अच्छी लगती है, अगर चावलों के साथ खाएं थोड़ी नरम होनी चाहिए। जी तैयार हो चुकी है दाल हमारी, अब जी शुक्रिया करने लगी है चावलों को। जीरे वाले बना रही हूं। सफेद चावल बनाएंगी? तड़के वाले जीरे। तड़के वाले, अच्छा हल्दी नहीं डलेगी? नहीं, नमकीन बनेगी। अच्छा चले ठीक है, अल्लाह खैर करता है, ये तो जल्दी बन जाएंगे ना। और उसके बाद फिर रोटी बनानी है? ओके सर। सुगना सिस्टर तवी साफ करी है अच्छी तरह से, और फिजा लगाएगी आग। रोटियां लगाना जी शुरू कर दी गई हैं, धूप है इधर, शुक्रिया। इंशाल्लाह छांव और हो जाएगी, इंशाल्लाह। सुगना के पास छांव नहीं है, छांव छांव है आपके पास? शुक्रिया के पास छांव नहीं है। फिजा साथ के साथ लगा रही है, ये हमारी जो हैदर अली है उससे छोटी है फिजा, तो ये साथ हेल्प करवा रही है फूफो के साथ और मम्मा के साथ, माशाल्लाह। और इसके बाद बस काम फाइनल ही है तकरीबन, बस वो तो बन जाएंगे, रखे तो हुए ना। फिर हम रेडी हो जाएंगे। ओके सर, ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारे बहन भाइयों मुकम्मल तैयारी हमारी हो चुकी है, बस अब मेहमानों के इंतज़ार है। मेहमानों की कॉल हमारे पास आ चुकी है, कुछ ही देर बाद मेहमान आएंगे, फिर इंशाल्लाह उनको जो हमने दावत उनकी की है उनको खाना पेश करेंगे। और
जो भी इंतजाम है अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। और शुक्रिया भी, अपना सारे काम से फारिग होने के बाद इसने सूट चेंज कर लिया है, अब देख रही है कब मेरी बहन आएगी और हम खाना वगैरह देंगे। फोन तो हमने कर दिया है कि भी आप जल्दी से आ जाएं, खाना ठंडा हो रहा है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं और भाईजान जो हैं हमारे बड़े बड़े मेरे जो सांडू हैं उनको लेने के लिए इब्राहिम गया हुआ है, अभी आ जाते हैं। शुक्रिया घड़े में से ठंडा ठंडा पानी मेहमानों को दे रही है। नहीं, सिर्फ ये अपने भांजे को दे रही हूँ, जो बाजी हो रहा है ना और भांजी है उनको बोतल दे रही हूं। चलें जी, ठीक हो, जो भांजा है ना वो बोतल नहीं पीता। चलो ठीक हो, जरा से भी नहीं वो पीता। माशाल्लाह जी मेहमान हमारे पहुँच चुके हैं भाईजान, शुक्रिया दरवाजा खोल रही है। हाँ जी, आ गए हमारे मेहमान। जो वालेकुम सलाम, शुक्रिया के जो भांजे हैं माशाल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्त, अल्लाह सेहत दे जी, पहुंच चुके हैं मेहमान जो हैं हमारे पहुंच चुके हैं। अब शुक्रिया खाना तकसीम करने लगी है, बर्तनों में शामिल क्या बोलते हैं, ऐड करते हैं या डालना कहते हैं? हाँ, ये दाल बनाई थी चावलों के ऊपर मेरे ख्याल डाल के, फिर ऐसे ही है ना। शुक्रा सिस्टर साथ हेल्प करवा रही हैं। काफी देर से हम मेहमानों का इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये शादी का मसला हो गया, खुशी गमी हो गई या कहीं दावत हो गई तो यहाँ पर अक्सर औकात लेट इंसान हो ही जाता है, और खसूसन जब शादी हो ना, शादी वाले घर में लेट होते ही होते हैं। माशाल्लाह जी मेहमान जो हैं हमारे खाना खा रहे हैं। जैनब बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, नीचे गिर जाओगी आराम से। सुगना सिस्टर बर्तन धो के ला रही हैं। चलें अपना, क्या नाम था आपका? रिजवान बेटा शुरू हो जाओ। और नुमान बेटा आ जाओ बेटा, टाइम काफ़ी हो चुका है। कामरान और ये है हमारा शहजादा अदनान। माशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों, फ्रिज जो था हमने चला लिया था, माशाल्लाह फाइनली लुक देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है जी। अल्लाह पाक हमारी बहन के रिज़्क में इजाफा फरमाए, जिन्होंने हमें रमज़ान शरीफ का अनमोल तोहफा दिया। शायद मैं किस मुंह से इनका, अपनी प्यारी बहन का शुक्रिया अदा करूँ। तो निकालने के लिए आए थे खीर कस्टर्ड, सॉरी शुक्रिया निकालें कस्टर्ड। चलें जी माशाल्लाह जी, या अल्लाह शुक्र है तेरा कि हम इस काबिल नहीं थे, हमें काबिल समझा और हमारी बहन ने हमें अनमोल तोहफा दिया। चलें ले कस्टर्ड जो है मेहमानों के पास जी आ चुका है। भाईजान अदनान बेटा रिजवान बेटा खाने लगे हैं और दो चले गए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी भाईजान, कैसा बना हुआ है? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। शुक्रिया, आपकी तारीफ हो रही है माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और भाईजान आपका बहुत बहुत दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वीडियो बनाने दी अपनी शादी की, और हमारा दिल अंदर से इतना खुश है। और जो देखने वाले हमारे बहन भाई हैं, कोई टट्टू पल्लू नहीं है, आम लोग देखने वाले नहीं हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत सारी तारीफ की है, तो उनका पैगाम आप तक पहुंचाना था, आप उनका शुक्रिया अदा कर दें। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक्स। मेहरबानी जी। चलें नुमान आप खाएं। जी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो हमारे मेहमान हैं वो रवाना हो चुके हैं, और जो हमारी भांजी है जो रहीम यार खान से हम ब्याह कर लाए थे वो अभी बैठी हैं, अब वो जाने वाले हैं। और एक बात और इसमें शामिल कर देते हैं वीडियो में, जो हमारे दूल्हे भाई थे वो नहीं आ सकते थे क्योंकि वो किसी काम में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ थे, लेकिन मजबूरी है वो नहीं आ सके। चलें कोई बात नहीं, तो अब मेहमान जो हैं हमारे चले गए हैं, अब वो जो दूल्हे भाई का खाना है हम साथ दे रहे हैं, तो हमारा भांजा भी लगता है और जो दुल्हन है वो हमारी भांजी है। हाँ जी, मेरी बहू भी लगती है और भांजी भी लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी दूल्हे भाई का दे देते हैं। अलमजे की बात यह है, दूल्हा जो भाई है मेरे से कुछ 4-5 साल छोटा ही है, हम दोस्त भी हैं और मैं रिश्ते में खालू भी लगता हूँ। हाँ जी, शाम का जी टाइम हो चुका है और अम्मी जान के घर आ चुके हैं। अम्मी जान सलाम करें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सारो ठीक ठाक हो, खैर खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है जी। सब बहनें, आपकी बेटियां और आपके बेटे भी? बेटे भी सब ठीक ठाक हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक हैं। और आप उनके लिए दुआ कीजिएगा प्यारे बहन भाइयों। अम्मी जान ने अंदर की सेटिंग की है, सामान जो अम्मी का था वो फिट किया है अपने कमरे के अंदर, माशाल्लाह सफील ऊपर लगा दी है, बर्तन वगैरह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये पेटी है, आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है। ये भी मैंने ही अम्मी को लेकर दी थी, ये अम्मी जान ने ये कुछ सामान वगैरह अपना यहाँ पे रखा हुआ है। ये हाजी साहब जो वो सांप वगैरह पकड़ते हैं, हिकमत वगैरह वो वाला सेटअप है। और ये सारा अम्मी जान ने, ये एक ट्राईपोर्ट हमारा कैमरे वाला सिस्टम है, ये वाला सारा कुछ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ। अम्मी माशाल्लाह अच्छा सेटअप बन गया है ना? चले जी, अल्लाह पाक आपको नसीब करे। आमीन आमीन जी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत ही प्यारे जानवर ये देखें, बच्चे दिए हुए हैं बकरी ने। ये जी हमारे अली हसन की बकरी है माशाल्लाह। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। अम्मी कब दिए थे? अच्छा माशाल्लाह। और ये बकरी जो है हमारी वीडियो में देखी थी आपने, ये वाली भी अम्मी के पास आ गई है, ये भी गबन है। और ये वाला बच्चा आप देख सकती हैं, ये भी अली हसन का, क्योंकि वो अम्मी कसाई का काम करता है ना, तो इसलिए हाँ जी हाँ जी, वो जो लड़के जो छोटे काम करते हैं ना, वो फिर मिल के जो उस्ताद की दुकान में काम करते हैं, मिल के पैसे मिलाते हैं। तो अम्मी के पास इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, और फिर हर हफ्ते आते हैं, दो दिन तीन दिन बाद आते हैं, कुछ इसका खाने पीने का चारा चूरा वो दे के चले जाते हैं। अम्मी पसीना आ रहा है, कहीं मोहल्ले में गई हुई थी? मैं घास लेने गई थी माल का, इसका हाँ बच्चे का। अच्छा का। मैंने बच्चों को मना किया, बहुत सख्त नाराज हुआ हूँ। मैंने कहा भाई आप ये काम ना करें, अम्मी बुजुर्ग है बेचारी, अल्लाह अल्लाह करने का टाइम है, आपने वहाँ पे जाके ये खड़ा कर दिया है। हाँ चले, अल्लाह ने मुझे अगर दी ना हिम्मत, मैं इंशाल्लाह यहाँ पे दो गाय खड़ाऊंगा। अम्मी आपसे होता नहीं ना, इसलिए हिम्मत दी अल्लाह पाक ने मुझे, तो मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी ना, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे देना, फिर ये काम अच्छा लगता है, इस तरह काम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉगी देखें प्यारे बहन भाई, कहाँ गुस्सा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे बकरे, एक बकरी है एक बकरा है ना मम्मी, ये अली हसन के हैं जी माशाल्लाह, और वो मेरे ख्याल है अहमद अली का है, है ना? हाँ चले माशाल्लाह, हमारे पास जगह नहीं है ना मम्मी, अब क्या करें, बकरियां रखना सुन्नत है। हाँ जी, सवाब होता है, बहुत बिल्कुल, लेकिन अब जगह नहीं है ना हमारे पास, अब शादी भी आ रही है, ये मामलात है, अब ये नुकसान में है, ये 16,000 का लिया है ना, अब वो 16 का लगा के गए, अब क्या फायदा आया, कोई फायदा नहीं है। बच्ची लेते चलो बड़ी होती वो लग जाती, बच्ची होते दूध भी होता। चले अल्लाह पाक खैरियत करेगा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह खैर बिल्कुल जी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, शाम का टाइम हो चुका है, व्लॉग भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मी कहें हमारे मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बेटे के नाम लिया, चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप सलाम कर दें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शादी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बेटो सारों को सलाम हो। वालेकुम सलाम।